Hello, students. Till now, we have learned how to multiply a decimal number by a whole number and how to multiply one decimal number by another decimal number. So, let us revise and do one question of each. Uh, so, first of all, we will multiply a decimal number uh, 3.47 uh, by a whole number, suppose 13, right? so this is an example of uh, multiplication of decimal decimal number by a whole number and uh, we will take one more example in which we will multiply a decimal number uh, 8.192 multiplied by 3.5 okay so in this case uh, we have to multiply a decimal number by a decimal number so we will uh, revise by doing these two examples. so uh, first of all, we have to ignore this decimal. when we multiply, we have to ignore this decimal. and we will multiply as we are doing earlier. so 3 sevens are 21, 2 carry over 4, 3 is 12 plus 2 is 14, and 3, 3, 9 plus 1 is 10. then multiplying with tens place, so uh, whenever we multiply any number by 1, we will get the same. नंबर दट इज थ्री फोर सेवन नाउ एड सो वन प्लस जीरो वन सेवन प्लस फोर इलेवन एंड फोर प्लस वन इज फाइव एंड थ्री प्लस वन इज फोर राइट सो नाओ वी गेट द आंसर बट नाउ वट वी हैव टू सी कितने आपके डेसीमल प्लेसेस हैं डेसिमल प्लेसिज हाउ मेनी डेसिमल प्लेसिजर से आगे जितने भी डिजिट है सो आंसर इज फोर्टी फाइव पॉइंटरली वैन वी हैव टू मल्टीप्लाई द डेमल नंबर बाय अदर डेमल नंबर अगेन वी हैव टू इग्नोर द डेसिमल्स एंड मल्टीप्लाईड फाइव टू ज टेन

नाव वट वी हैव टू डू हमें टोटल नंबर टोटल मीन्स दोनों जो आ, हमारे डेसीमल नंबर है उसमें टोटल कितने डेसिमल प्लेसेज है फर्स्ट वन एंड वन इन द सेकेंड सो टोटल कितने हो गए हमारे पास वन टू थ्री फोर फोर डेसीमल प्लेसेज आर दियर सो अब हमने क्या करना है राइट right साइड से फोर प्लेसेज uh, हम काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर सो डेसिमल विल कम ओवर हेयर सो दिस इज द आंसर ट्वेंटी एट पॉइंट सिक्स सेवन टू Uh, 0 if you want to say but uh, it has no value so 28.672 is the answer now today we will learn how multiplication of a decimal number by 1000 or 1000 that is multiplication multiplication uh, of a decimal number डेमल नंबर बाय टेन हंड्रेड थाउजेंड राइट कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे एंड वी विल लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई ओरली इसके लिए हमें कोई ज्यादा वो नहीं करना है तो हम डायरेक्ट देखेंगे कि ओरली कैसे हम इसको कर सकते हैं सो लेट एस टेक यू एग्जांपल्स एंड ऑब्जर्व देर आंसर्स केयरफुली 16.846, right? We will take the example 16.846. Now we will multiply this number by 10, 100, and 1000. So, first of all, we will multiply it by 10, then multiply it by 100, then multiply the same number by 1000, right? Let us see well, what will be the answer. मल्टीप्लाई जीरो सो वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जब हम टेन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है जैसे तो एक zero लग जाता है एक्स्ट्रा राइट नाउ काउंट करेंगे हम वन टू थ्री डेसिमल प्लेसेस व्हेन वी मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर बाय होल नंबर हम क्या करते हैं डेसिमल प्लेसेस काउंट करते हैं कितने हैं वन टू थ्री सो डेसिमल वाला का आएगा वन टू थ्री राइट सो डेसिमल कम्स ओवर हियर मैं इसको डायरेक्टली कर देता हूं पूरा सॉल्व नहीं करता हूं बिकॉज यू नो के आंसर आएगा वन सिक्स एट फोर सिक्स एंड हाउ मेनी जीरोज आर देयर टू जीरोज एंड सिमिलरली हियर वन एट वन सिक्स एट फोर सिक्स एंड थ्री जीरोज Now, here again uh, we have three decimal places. So, count from here 1, 2, 3, decimal will come over here. And in this case also, uh, three decimal places 1, 2, 3, decimal will come over here. Right? So, what do you observe in these three questions? Here the decimal is after 16, but when we multiply it by 10, decimal. कहा शिफ्ट हो गया 16 से हमारा 8 पे आ गया राइट वन प्लेस राइट में शिफ्ट हो गया वेन वी मल्टीप्लाइड बाय 100, 16 के आगे था उसके बाद ये कहा चला गया वन टू टू प्लेसेस शिफ्ट हो गया राइट right साइड को सिमिलरली जब हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल कहा 16 से आगे कहा शिफ्ट हो गया वन टू थ्री थ्री प्लेसेस शिफ्ट हो गया दैट मीन्स जब हम टेन हंड्रेड या थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे वी हैव टू जस्ट शिफ्ट द द द डेसिमल पॉइंट इन इन प्रोडक्ट टू राइट बाय एज एज मेनी प्लेसेस देयर आर द मल्टीप्लायर टेन में वन जीरो था तो हमने वन शिफ्ट कर दिया राइट right साइड को यू कैन सी सिक्सटीन के बाद था हमारा डेसीमल यहाँ ना यहां अब टेन से मल्टीप्लाई किया था वन शिफ्ट कर दिया हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया था टू जीरो से तो टू प्लेसेस शिफ्ट कर दिया थाउजेंड में थ्री जीरो थे हमने कितने प्लेसेस शिफ्ट हो गए वन टू थ्री सो इट इज वेरी इजी ओरली हम uh, इनको कर सकते हैं क्योंकि इसमें जस्ट हमें डेसिमल्स ही शिफ्ट करने होते हैं जब हम टेन से हंड्रेड और थाउजेंड से मल्टीप्लाई करते हैं सो इट इज वेरी इजी वी हैव वर्कशीट नंबर थ्री बेस्ड ऑन इट लेट एस सी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क नाउ फाइंड द प्रोडक्ट ओरली Orally find करना है हमने हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है अब ये सारी uh, questions में हमको और से ही multiply करना है राइट so साइड को कीप इट इन माइंड मल्टीप्लाई में डेमल शिफ्ट होते हैं राइट right साइड को अब आगे हम करेंगे डिविजन में भी सेम ऐसे ही होगा उसमें डेसिमल लेफ्ट साइड को सो बी केयरफुल यहां पर हम किस साइड को शिफ्ट uh, हो रहे हैं राइट साइड को सो टेन हाउ मेनी जीरो सो डेसिमल यहां से कहा आ जाएगा डेसिमल विल कम ओवर हेयर अभी यहां पर है टेन से मल्टीप्लाई किया वन जीरो है वन जीरो है दैट मीनस डेसिमल वन प्लेस शिफ्ट होगा राइट साइड को सो यहां से ये यहां पर आ जाएगा सो वट विल बी द आंसर टू टू पॉइंट जीरो और टू दोनों का एक ही मीनिंग है और टू पॉइंट जीरो भी लिख सकते हैं ओके दोनों का सेम मीनिंग है कितने शिफ्ट होगा वन प्लेस सो इट कम्स ओवर हेयर राइट वट विल बी द आंसर वन इलेवन पॉइंट एट राइट similarly in this case 13.293 uh, we are multiplying it by 10 there is only one zero so decimal will shift only one place so it will come over here so the answer will be 132.93 in next case we have to multiply 16.25 by 100 100 how many zeros are there two zeros so decimal will shift two places 1 2 so decimal will come over here right so what is will be our answers 1625 and point if you want to otherwise 1625 is the answer because uh, this point not value and zero value similarly in this case two zeros are there and we have to shift two places one two towards right side so what is our answer 402 Uh, in next case, same 19.32, two zeros are there in 100. We will shift two places. ये मैं जो arrows लगा रहा हूँ, this is only आपको uh, explain करने के लिए. There is no need to make these arrows. ये सिर्फ आपको clear करने के लिए मैं लगा रहा हूँ. आपने नहीं लगाने. So the answer is 1932. Next is multiplied by 1000. So how many zeros are there in 1000? Three zeros. so we will shift uh, three uh, places towards right थ्री प्लेसेज टूवर्ड्स राइट सो राइट साइड को वन टू थ्री ओवर सेवेंटी एट हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन पॉइंट जीरो again आप लगाना है या नहीं लगाना no problem आप लगाएंगे तो भी wrong नहीं होगा नहीं लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज लास्ट में पॉइंट लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता सिमिलरली One thousand, three zeros are there and we have to shift how many places towards right? Three places. So one, two. There are only two digits. Now what we will do? Ab kya अब क्या करेंगे हम? अब यहाँ पर uh, हमें shift कितने places करने? Three. But यहाँ पर हमारे कितने digits हैं? Two digits हैं. So how can we solve this? मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमारे पास digits कम हो जाते हैं, we will राइट जीरो सो यहां पर हम लोग क्या लगा देंगे जीरो लगा देंगे तो फिर हमारे पास वन टू थ्री तो डेसिमल विल कम ओवर हेयर सो विल बी द आंसर? फोर्टी फाइव थाउजेंड टेन पॉइंट जीरो लगाए ना लगाएं जैसे मैंने पहले ही बताया सो फोर्टी फाइव थाउजेंड टेन इज द आंसर जब भी आपके पास डेसिमल शिफ्ट करते हुए डिजिट्स uh, कम पड़ जाती है तो आपने क्या लगाना है जीरो जब मल्टीप्लाई करते हुए भी हमारे पास ऐसे केसेस आए थे जिसमें हमारे डिजिट्स कम पड़ रहे थे सो so, हमने वहां पर क्या लगा दिया था जीरो नेक्स्ट जीरो पॉइंट वन मल्टीप्लाय बाय वन हंड्रेड अगेन टू डिजिट्स इन टू जीरो इन हंड्रेड सो वी विल वी हैव टू मूव टू प्लेसेस टू राइट सो वन एंड यहां पर तो वन ही डिजिट है सो अभी भी वन डिजिट शॉर्ट पड़ रहा है तो वट वी विल डू हम जीरो लगाएंगे एंड देन वट विल बी द आंसर और दिस इज द आंसर एंड द लास्ट वन टू जीरो आर देयर इन हंड्रेड सो वी हैव टू शिफ्ट हाउ मेनी प्लेसेस टू प्लेसेस सो वन टू सो डेमल हेयर विल बी द आंसर सेवन हंड्रेड फिफ्टी थ्री पॉइंट एट

There are two zeros, so we will uh, shift two places towards right. And if we multiply it by 1000, then there are three zeros in 1000, and then we will shift uh, three places towards right. So uh, we have the second question of this worksheet. Complete the following. And in this question here, you have to.

लेकिन आंसर में हमारा डेसीमल कहा है नहीं है दैट मीन्स नंबर में डेसीमल कहा होता है जिस नंबर में डेसिमल नहीं है वो वहां पर लास्ट में होता है यहां पर आपका डेसीमल है और क्वेश्चन में कहा था यहां पर था तो यहां से कितने प्लेसे शिफ्ट हुआ ओनली वन प्लेस सो दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाई 10. अगर वन प्लेस शिफ्ट हुआ तो वन जीरो दैट मीन्स टेन इन दिस केस जीरो पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाई डैश इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड डेसीमल कहाँ था यहाँ पर था फाइव से पहले और अब डेसीमल कहाँ है देर इज नो डेसीमल सो डेसीमल कहाँ आ गया है लास्ट में सो so, कितने प्लेसेस शिफ्ट हुआ है यहाँ पर था डेसीमल हमारा वन टू थ्री थ्री प्लेसेस शिफ्ट हुआ सो दैट मीन्स वन टू थ्री जीरोज एंड वन दैट इट मीन्स we have to multiply it by 1000 so in this way uh, solve these pa uh, the remaining parts of this question uh, in next video we will discuss them and also discuss the properties of multiplication of decimal numbers thank you